हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल देख के मालूम लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे बच्चों के स्टूल के बारे में, उनकी पॉटी के बारे में। एक्चुअली आजकल खान पान ऐसा हो गया है, या आजकल बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बच्चों का स्टूल टाइट हो जाता है या हार्ड हो जाता है, उनको मोशन पास करने में दिक्कत आती है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी तब मुझे कुछ हेल्थ इशू आए थे, जिस वजह से मुझे कुछ मेडिसिंस मुझे लेनी पड़ी थी जो कि थोड़ी हार्ड थी। और वो मैं उस टाइम पे अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड करवा रही थी, तो उस दौरान वो जो हार्ड मेडिसिंस थी उसका असर मेरी बेटी पे भी होने लगा। उसका स्टूल उस टाइम पे हार्ड हुआ था, उसको उस टाइम पे मोशन पास करने में दिक्कत आने लगी। तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि अब आगे क्या किया जाए। अगर आपके बच्चे के साथ भी ये दिक्कत आ रही है, उसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके स्टूल बहुत हार्ड है, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि मैंने अपने टाइम पे फॉलो किए थे, उसको मैंने अप्लाई किया था और मेरे बच्चे को उससे काफ़ी आराम मिला। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप खुद क्या खा रहे हैं। आप जो भी खाएंगे वो बच्चे के शरीर पे डायरेक्टली जाएगा, तो इसीलिए आप अगर किसी मेडिसिन पे हैं तो फिर डॉक्टर से उनको पहले ही बता दीजिए कि मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, तो इस वजह से वो आपको उसी अनुसार दवाइयाँ देंगे, ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ नहीं देंगे। अगर आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले हमको अपने बच्चे के लिए घरेलू उपचार से इस चीज़ को इसका समाधान करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घर में अपने बच्चे को गुनगुना पानी दीजिए जिससे कि उसका मोशन अच्छे से पास हो, या फिर उसको लिक्विड ही डाइट दीजिए, और या तो हम उसको हाई फाइबर फूड दे सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में आप उसको मैंगो दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, ये फ्रूट काफ़ी हाई फाइबर होते हैं, तो ये हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। सैलड दे सकते हैं, ककम्बर वगैरह अगर आपका बच्चा खाता है उस टाइम पे। तब अगर आपका बच्चा केवल ब्रेस्ट फीड करता है तो आप उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो खाना खाता है, तो उसको बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं देना है, उसको लिक्विड डाइट पे ही रखिए कुछ समय तक। उसको पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पिलाइए। फ्रेंड्स, जब भी हेल्थ के बारे में बात आती है तो सबसे पहले तो हमें घरेलू उपचार से ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, बट जब बच्चों की बात आती है तो हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, हमें टेंशन होने लगती है, तो इस वजह से हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए। हमें घरेलू उपचार से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने हमें मेरी बेटी के लिए सपोजिटरी पिल्स सजेस्ट करी, जो कि उन्होंने सपोजिटरी पिल्स को एनस में अंदर इंसर्ट किया जाता है जिससे कि वो अपना 5 से 10 सेकंड में ग्लिसरीन छोड़ देता है, जिससे कि वह एरिया बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उससे बच्चा बहुत इजीली स्टूल पास कर सकता है। सपोजिटरी पिल्स मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उसको एनस एरिया में इंसर्ट करना पड़ता है। और अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिक एनिमा भी आता है, उससे भी बच्चों को उसको भी इंसर्ट करके उसको इसमें ग्लिसरीन रहता है, उसको भी बच्चों के एनस में इंसर्ट करके ईजिली वो स्टूल पास कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड एक और ऑप्शन हमारे पास है जो कि हीलिंग क्रीम्स होती हैं। अगर बाय चांस अगर आपके बेबी के किड्स के एनस एरिया में कोई घाव हो गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए हीलिंग क्रीम्स आती हैं मार्केट में जो कि बहुत हेल्प करती हैं, उससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। तो दो बेस्ट जो डॉक्टर ने हमें गायनोकोलॉजिस्ट ने हमें हीलिंग क्रीम सजेस्ट करी, वो एक पहली थी एनोवेट जो कि बहुत अच्छी थी, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था। और सेकंड मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी थी तो मुझे एक और क्रीम के बारे में पता चला था, सुक्रेल एनो, तो वो क्रीम भी बहुत बढ़िया है। अगर ये दोनों क्रीम ही इजीली मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाती हैं, अगर आपके बच्चे के साथ दिक्कत आ रही है तो उसको ये क्रीम उसके एरिया में अप्लाई करिए, बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा, उसको बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के साथ कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो अगर आप इन बताई गई बातों को अगर फॉलो करेंगे तो 100% आपके बच्चे को इससे आराम मिलेगा। अगर आपके बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उससे ये प्रॉब्लम से इन स्टेप्स से फॉलो नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत जल्दी किसी प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।